क्या आप जानते हैं एक नया टीका न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन या पीसीवी को नियमित टीकाकरण अभियान या यूआईपी में शामिल किया जा रहा है, जो न्यूमोकोकस के कारण होने वाले निमोनिया और अन्य रोगों से बच्चों की रक्षा करेगा। पीसीवी के बारे में अधिक जानने के लिए इस पर चर्चा करते हैं। मुझे न्यूमोकोकल निमोनिया के बारे में कुछ और बताएं। यह फेफड़े का एक संक्रमण है जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु से होता है, जिसे न्यूमोकोकस भी कहा जाता है। निमोनिया से पीड़ित बच्चे को सांस लेने में कठिनाई, तेजी से सांस लेना, खांसी, बुखार और पसलियों का चलना आदि होता है। यदि यह गंभीर हो तो इससे बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। क्या न्यूमोकोकस निमोनिया के अलावा और भी कोई बीमारी करता है? हाँ, न्यूमोकोकल संक्रमण से मेनिनजाइटिस, सेप्टिसीमिया और निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही साथ साइनोसाइटिस और कान के संक्रमण जैसी अधिक आम बीमारियां भी हो सकती हैं। फेफड़ों के अलावा न्यूमोकोकस शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकता है, जैसे दिमाग, रक्त, कान और नाक। न्यूमोकोकल रोग कैसे फैलता है? यह सांस के रास्ते से खांसी और छींकने के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। क्या न्यूमोकोकल एक आम बीमारी है? हाँ, अनुमान है कि न्यूमोकोकल निमोनिया के कारण 2010 में लगभग 1,05,000 से कम बच्चों की मृत्यु हुई थी। न्यूमोकोकल बीमारी का सबसे अधिक खतरा किसको होता है? न्यूमोकोकल बीमारी का सबसे अधिक खतरा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे और विशेषकर 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को होता है। इसके अलावा कुपोषण से पीड़ित बच्चे, स्तनपान से वंचित बच्चे, कम प्रतिरोधक क्षमता वाले बच्चे और जो बच्चे घरेलू धुएं और भीड़ की रहने की स्थिति में होते हैं, उन्हें भी इस बीमारी का अधिक खतरा होता है। न्यूमोकोकल रोग का निदान कैसे किया जाता है? हम न्यूमोकोकल निमोनिया का निदान इसके लक्षणों और एक्सरे के इमेजिंग द्वारा कर सकते हैं। क्या इसका इलाज किया जा सकता है? हाँ, इसका उपचार एंटीबायोटिक्स और उचित चिकित्सकीय देखभाल द्वारा किया जा सकता है। शीघ्र निदान और उचित उपचार से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। न्यूमोकोकल बीमारी को रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? पीसीवी से टीकाकरण बच्चों को इस खतरनाक बीमारी से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। आप नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में पीसीवी टीका मुफ्त उपलब्ध है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर पात्र बच्चे को पीसीवी की सभी 3 खुराक मिले। आज हम लोगों ने पीसीवी के बारे में बहुत कुछ नया सीखा। आप पीसीवी एफएक्यू पुस्तिका से पीसीवी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।